नक्शे ने जो तुम दिखाए जा रहे ने यो रिश्तियां दी कापियां ने जो इस जगह दे उत्ते बोलदियां सीगियां नक्शे देख रहे हो पहला मंदिर बारे दसना चाहूँगा कागजों के हिसाब के इन्हों को रजिस्ट्री 1985 के टाइम की भी हैगी है 1985 तो बाद 97-98 की भी रजिस्ट्रियां इस जगह दियां हैगियां है। देखो पहली गल तो यह है कि रजिस्ट्रियां हुई कि रजिस्ट्रियां हुई किवें कि वह तहसीलदार गलत कि वह फर्द देने वाले बंदे जिन्होंने नहीं नहीं कानगो गलत सी तहसीलदार गलत सी जिहड़ियां फर्दां हुई पटवारी गलत सी मैं एक गल पुछदा यही तो मैं कहना वा बार बार कि हुण भ्रष्टाचार खत्म हो गया जे हुण भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो तुहाडा लेना काम हुंदा पिया चाहे एनओसीआं नूं लै लो चाहे तुसीं किसे भी सरकारी दफ्तर लै लो हर काम भ्रष्टाचार नाल हुंदा पिया वा 10 मिनट का भी सानूं टाइम नहीं दिता गया कि तुसीं इत्थे बैठो साढ़े उपर बलडोजर चलाए गए साढ़े जनानियां माता भैणां कुटियां गईआं इन्हों ने मतलब जो इन्होंने फोर्स इन्नी क मंगा ली उ बंदा कुछ भी ना कर दे पर अस कुछ भी करन दे नहीं असी ना करना चाहते मैं कहा जी मर जावे गल जावे भावें जिन्हें बलडोजर इन्होंने चढ़ाए हो चढ़ा दे आ भावें साढ़े तो परचे पा दे जो मर्जी कर दें पर असी इतों हिलने वाले शाह बिना एनओसी तो एनओसी रजिस्ट्रियां हो नक्शे की गल करी जाने लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है मैं विशाल कपूर गल की होगी 21 तारीख की सुबह शिवपुरी दे वेच जो दुकाना ढाई गई जो जलंधर तो बाद लुधियाना शहर के कहर ढाया गया उस परिवार के उत्ते जो परिवार अपनी रोजी रोटी कमाते सीगे उस जगह के उत्ते खड़े हुए हैं जिन्हों पूरी तरह पद्धर कर दिता गया 23 तारीख हैरिंग दी सी लेकिन उत्थे उस तो जाने तो पहले ही 21 तारीख नूं बुलडोजर ते क्रेना लैके इत्थे पहुँचा जाता वै JCB-ਆਂ नाल दुकाना तोड़िया जांदियां समान पिया हुंदा उन्हूं वी विच दफना दिता जाता वै जिंदे पंछी होंदे ने मुर्गे होंदे ने मच्छियां होंदियां ने लेकिन वह भी शोर तुहानूं दिखाए सीगे जिथे वह मुर्गियां कटियां जा रही सीगियां ये वो जगह वै ये वो लोग ने जिन्हें दुकाना ने कुमार गौरव सच्चा यादव भी इत्थे पहुँचे ने लेकिन आ जमीन तुहानूं इस करके दिखा रहे हाँ कि इत्थे 35 साल तो ये लोग रह रहे सीगे अपनी रोजी रोटी का साधन कमा रहे सीगे ये जमीन इस तरह पद्धर कर दी कि इत्थे कोई रहिंदा ही नहीं गा इत्थे पीपल का पेड़ भी सीगा पीपल का पेड़ उगन भी समा लगता वह भी तोड़ दिता गया वह भी वेची दफना दिता गया ये पूरी तरह जमीन पद्धर कर दी गई जिस तरह इत्थे कोई रहिश ही ना हो ना ही कोई दुकाना हो लेकिन जगह अपनी निशानी छड़ जाती है वह बादरे पे हुए ने वह बादरे जिथे थड़े बनाए हुए सी अज थड़े भी उत्थे ही मौजूद हैगे ने अपने कब्जे नहीं छड़े इन्होंने क्योंकि कोर्ट के विच केस चल रहा वै इन्होंने हाथ में जो कागज़ ने जो रजिस्ट्रियां ने तुहानू असी वह भी असली दिखावांगे जो रजिस्ट्रियां दी कापियां जो उन्हां कोल सीगियां जो नहीं दिखाईयां गईयां जो कारपोरेशन ने नहीं देखियां ये वो नक्शे ने कुमार जी ये वो नक्शे ने जो तुहानू दिखाए जा रहे ने ये वो रजिस्ट्रियां दी कापियां ने जो इस जगह के उत्ते बोलदियां सीगियां ये नक्शे तुसीं देख रहे हो यो रजिस्ट्रियां जो कराइया हुई जी पुराने समय दियाँ कुमार जी सारे कागज़ होने अपने घर असी बड़ी मुश्किल बनाते हैं अज के समय की गल करिए अज का मकान की एक लेंटर पाना भी बड़ा औखा होया पाया वै लेकिन ज़्यादा ख्याल नहीं आया नगर निगम को लड़ते के जो दम सीगा क्यों नहीं लड़े विशाल जी गल पता की है ये कागज़ मेरे हाथ में है ये कागजों के हिसाब से रजिस्ट्रियां हुई हुई मैं पूरी तह तक इस चीज़ में जाके आया वा पूरा सारी नॉलेज लैके आया पहला मैं उन्हें बारे दसना चाहूँगा कागजों के हिसाब के नाल इन्हों को रजिस्ट्री 1985 के टाइम की भी हैगी है 1985 तो बाद इन्हों को 97-98 की भी रजिस्ट्रियां इस जगह दियाँ है वै देखो पहली गल तो यह है कि रजिस्ट्रियां हुई कि नंबर एक कपड़ा खोया किदा नंबर एक सोचने वाली गल है सिस्टम के अगे गल रखने वाली है कि रजिस्ट्रियां हुई किवें कि वह तहसीलदार गलत सी कि वह फर्द देने वाले बंदे जिन्होंने नहीं नहीं कानगो गलत सी तहसीलदार गलत सी जो फर्दा हुई पटवारी गलत सी देखो हुण जो तो पटवारी साहब नूं पुछया गया या नगर निगम नूं पुछया गया तो उन्हों का कहना सीगा पटवारी का कहना यह सीगा कि जिहड़े ये रजिस्ट्रियां हुई 1997-98 के इन्होंने रजिस्ट्रियां जिहड़े खसरे नंबर हैगे है ये खसरे नंबर जिहड़े हैगे साडे रिकॉर्ड के हिसाब नाल मैच नहीं करते पे जो पटवारी का कहना वै कि 150 मीटर की नाल के नाल जी ऑक्यूपाइड जगह हैगी है जिंद पीला पंजा बुलडोजर चलिया वै इस जगह की 150 मीटर की जी जगह हैगी है
उस तो दूर एक खसर नंबर कितने बोलते होंगे लेकिन साड़ी उस ऑक्यूपाइड के विच बोलता नहीं। और छजरे के हिसाब के नाल उन्होंने यह भी कहना वै कि यह जगह सरकारी बोलती पई हैगी है। लेकिन मजेदार गल यह है कि सिर्फ इन्ना को टोटा ही जोड़ा है वै ये सरकारी भी बोलता पाया। मजेदार गल है कि इतने छजरे भी जोड़े है खसरे नंबर भी है। तुम एक साइड दिखाइए इस जगह दे बिल्कुल पिछे वो तुम सारी जगह जी देख रहे हो सोनी फैक्ट्री है बिल्कुल वो सारा चीज़ा नज़र आ रही है जीज़ा आ रही है कि इंदा छजरा इंदा खसरा नंबर की वो बोलेगा कि उनसे कार्रवाई होएगी। अज लुधियाने शहर के पता नहीं किनिया को यहोजियां जगहां हो जिंदे जिहड़ियां इसे तरीके दे नाल नाल दे नाल नाल। देखो मैं उही कहना चाहना वा कि नगर निगम कारपोरेशन नू भ्रष्टाचार जिहड़ा हैगा वा ये बिल्डिंग जिहड़ी हैगी रातों रातां बनी नहीं सी बिल्कुल ये जिहड़ी बिल्डिंगां बणियां सारी तुसीं देख रहे हो रातों रातां बणियां ही नहीं सीगियां। सो कार्रवाई इस तरीके दे नाल इन्हां दा कहना वा नगर निगम दा कहना वा कि 9 तरीक नूं असीं इन्हां नूं नोटिस दित्ते जी और नीयर अबाउट 20 तरीक नूं ये लोग कोर्ट चले गए जिन्हें भी दुकानदार इत्थों दे हैगे आ और 23 तरीक नूं इन्हां नूं तरीक दे दित्ती कोर्ट ने लेकिन 21 तरीक नूं बिल्डिंग हटा दी जाती है। नगर निगम कारपोरेशन ने पूछा कि भाई इन्हां दे पानी दे बिल जिहड़े पानी दे बिल दीआं रसीदां इन्हां दे कोल हैगीआं इन्हां दे कोल जिहड़ियां प्रॉपर्टी दीआं बिल्डिंग दीआं जिहड़ियां हैगीआं TS1 वी कहिंदे हैगीआं उन्हां दा कहिणा वा कि जी देखो जे किसी कोल रसीदां इहो जिहीआं हैगीआं पानी दीआं सीवरेज दीआं या जिंदे कोल ये कह लो कि जिन्हां कोल होर भी बिल्डिंग दी प्रॉपर्टी दी रसीदां हैगीआं दैट आर नॉट दा कि वह मालक हैगे मलकीयत शो नहीं हुंदी है ये साडे कोल है ये सिर्फ उन्होंने किराया जिहड़ा हैगा वा या पानी दा किरायेदार हो पानी दा तुसीं जिहड़ा हैगा उहदे पैसे देने पए हो या जिहड़ी प्रॉपर्टी टैक्स दे जिहड़ा उहदे देने पए हो पर तुसीं मालक नहीं हैगे इस ऑक्यूपाइड लैंड दे जिहड़े हैगे हो। और एक गल मैं होर पुछना चाहुंदा विशाल जी लाल लकीर दे अधीन सरकारां नूं कई जमीनां सरकारां ने लोगों जिथे जे लोग बैठे थे अकाली दल सरकार के टाइम अलॉट की गई दितिया गई सगिया चलो मान लें कि वो जमीन भी उन्होंने दिखाई गई सगिया जिथे खसरे नंबर नहीं बोलते ठीक है जी। हूँ नगर निगम फिर इतने कहता पाया कि इतने जी जे खसरे नंबर साढ़े बोलते पे है सरकारी बोलते पे इन्हों के खसरे नंबर जो है सही नहीं है। उस तो अलावा TB स्कीम के रही राही आ जी सामने बिल्डिंग देख रहे हो नाले परले पासे बिल्कुल उस जनाब न TP स्कीम के राही ही अलॉट हुई सी लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले गए ने ये TB अलॉट हुई सी जी जगह सी सुप्रीम कोर्ट तो पहला हाई कोर्ट गए हाई कोर्ट के इन्हों कह दिता गया जगह इन्हों की बोलती है इन्होंने एक दो कमरे ढाए भी गए और कमरे भी कह गया नगर निगम बना के दौ हूँ केस कह नगर निगम का कहना वा कि साडा उन्होंने साडा इस बंदे नाल सुप्रीम कोर्ट चलता पाया वै ये मलकीत आँदी है हाले तक केस चलता पाया सुप्रीम साड़ी आँदी बाद की गल फैसला है। सो हूँ ये दुकानदार इतने खड़े कुमार जी मेरा एक सवाल है 650 करोड़ का प्रोजेक्ट कांग्रेस वेले आया सीगा हैबोवाल दे को चार पत्थर भी ला दिते कभी श्रोमणी अकाली ने लाए कभी कांग्रेस ने लाए हूँ आम आदमी पार्टियां ने भी लाए ने उत्ते पत्थर कि उस स्कीम के तहत सारिया बिल्डिंगा जाएगी कि सिर्फ अन्ना नाल पक्षपात किया गया रिश्तियां हो गई खसरा नंबर चलो उत्थे दा नहीं बोल रहा रिश्तियां कर दित्तियां उस वेले कानगो के पटवारी ने खसरा नंबर दूजा अपनी मनमर्जी नाल चलाता कारपोरेशन की किन्नी नलायकी तो पटवारी की किन्नी नलायकी फिर TS1 नाल कोई पक्का नहीं हो जाता कारपोरेशन मुलाजमान का कहना सीगा लेकिन फिर टैक्स क्यों लेंदे हो क्यों TS1 कटदे हो क्यों पानी का कनैक्शन देंदे हो बिजली डिपार्टमेंट मीटर क्यों लगांदा इत्थों तो समझ आ रहा ना कि भ्रष्टाचार किस लैवल का किस हद तक का हो गया। मैं एक गल पूछता यही तो मैं कहना वा बार बार कि हुण भ्रष्टाचार खत्म हो गया जे हुण भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो तुहाडा लेना काम हुंदा पिया चाहे NOC नूं लै लो चाहे तुसीं किसी भी सरकारी दफ्तर लै लो हर काम भ्रष्टाचार नाल हुंदा पिया वा। देखो उही तो मैं गल कहना पाया कि यह बिल्डिंग भी हूँ भी शहर के नजायज इलीगल बिल्डिंग बेतहाशा बन दी पी है कि वह बननिया बंद हो गई जवाब दो कि बन रही है ना यही बिल्कुल बनती है। विशाल जी यही कहना चाहना वा कि हूँ मजेदार गल यह है कि या तो हूँ नाले के नाल नाल बिल्कुल सिरे तक जो 14 किलोमीटर का नाला कहा जाता वा एक पासों 14 किलोमीटर एक पासों हूँ दोनों पासे या तो प्रोविजन सेम हो कार्रवाई हर जगह सेम चलनी चाहिए है किसी अमीर से अलग गरीबों से अलग ये चीज़ ना हो। मेरा कहना यह हैगा वै कि देखो मैं कानूनन जे जिहड़ी चीज़ सही है मैं उनका साथ देऊँगा कानूनन जिहड़ी चीज़ सही है पर देखो उनके नाल नाल किसी गरीब ना धक्का ना हो गरीब नूं अपने आशियाना अपना कारोबार अपनी दुकान अपना तिनका तिनका करके जोड़ के बनाता वै तिनका तिनका करके जोड़ के बनाता वै। देखो
किस इंसाफ होवे तो बराबर होवे, इंसाफ होवे तो तोल के होवे, सबना सही दोहरी रणनीति ना की जाए, मेरा ये कहना है। लेकिन कुमार जी ये नक्शा इन्ना को है पूरा कड़िया होया छजरा मौके पे पटवारी ना कड़िया होया। अच्छा उन्हें साड़ा गवर्नमेंट तो ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो ही सवाल है कि नक्शा ओना दा है ओना दे डिपार्टमेंट वालों है। जगह बोल दी भी पर जगह साड़ी है 716 नंबर बोल रही है। बिल्कुल आज मौके दा छजरा कितना चेंज हो गया, वो असी कितना केड़े ईयर दा डेट लिखी होगी इतने डेट पढ़ दे नहीं देखता है जी साइन किए हुए ने। लेकिन पटवारी ने अपने साइन किए छजरे के उत्ते लेकिन छजरा पुराना गैप करके नवे तरीके बनाया गया कि जगह का गबन करना सी जगह का खानी सी जगह का गफन ही करना जी। इन्होंने जगह का गफन करके सानू 10 मिनट का भी सानू टाइम नहीं दिता गया कि तुसी इत्थे बैठो। साडे उपर बलडोजर चलाए गए, साडे जनानियां माता पैना कुटिया गई। इन्होंने मतलब जो इन्होंने फोर्स इन्नी कि मंगा ली उत्थे बंदा कुछ भी ना कर सके, पर असीं कुछ भी करन दे अधीन नहीं सीगे, असीं ना करना चाहते। कारपोरेशन नाल गवर्नमेंट नाल असीं लड़ना नहीं चाहते। जो तो साड़ी जगह हैगी है कि सानू वो जगह दिती जावे, साडे नाल धक्का ना किता जावे। मेन गल यही है एक सवाल इंसाफ मिले धक्का ना होवे। कोटा हैगियां वे और इन्हां दी मेरे ख्याल 5 तरीक नू कोर्ट है, कोर्ट तरीक पई है। बिल्कुल 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 इन्हां दी तरीक सीगी, इन्हां दी की नू कारवाई होई है। मैं पहला भी दस्या वा कि उन्हां दा कहना वा कि साडे नोटिस भेजण तों बाद इन्हां ने तरीक लिती है, जो उन्हां कारपोरेशन हुण दोबारा इन्हां दी तरीक जिहड़ी हैगी है 5 तरीक दी है। इन्हां दा कहना वा कि असीं उद तक अपना कब्जा नहीं छड्डण वाले, असीं चाहे कुछ होवे कोर्ट सानू जो फैसला सुनाएगी कोर्ट सानू अपना कब्जा नहीं छड्डांगे इत्थों बिल्कुल भी। मैं कहा जी मर जावांगे गल जावांगे भावें जिन्हें बलडोजर इन्होंने चढ़ाए होर चढ़ा दें आ के भावें साढ़े परचे पा दें जो मर्जी कर दें पर असं इतों हिलने वाले नहीं। इन्हों का कहना है कि असं रिस्पैक्टिड आदरणीय कोर्ट की इज्जत करते हैं, जो सानू साड़ी आदरणीय रिस्पैक्टिड कोर्ट सानू हुक्म जारी करेगी जे असी गलत हाँ तो असं पिछे हटांगे असं कोर्ट की मनांगे, जे असी गलत नहीं है साडा हक सानू दिता जाए। बस यही इन्हों का कहना है और कानून जोड़ा हैगा वै वो सबना निकल होवे। और बार बार एक गल मैं जरूर कहना चाहना वा कि भ्रष्टाचार जोड़ा हैगा वै साडा जोड़ा खासकर बिल्डिंग डिपार्टमेंट है साढ़े लुधियाने शहर का, साढ़े 4 जोन है, मैं उन्होंने चारों जोनों बेनती करना चाहवागा कि शहर के जिन्या भी नाजायज़ उसारियां हो रही हैं नाजायज़ बिल्डिंगा हो रही हैं उन्होंने बनती कार्रवाई उदों ही की जाए जो बिल्डिंग बनती होंगी है, जो बिल्डिंग बनती होंगी है, क्योंकि फिर 10 साल बाद 20 साल बाद कोई तुहाड़ी वो जिहड़ी जगह है तुसीं कह दिओ कि साडी बोलदी है, तुसीं कहो इस प्रोजेक्ट के अधीन आती है, दो उहदे ते पीला पंजे ना चले। जिस आदमी के उत्ते कार्रवाई होंगी है इस तरीके होंगी है वो खून के अथरू रोंदा विकास जी विशाल जी समझना पएगा सानू। असी उस टाइम पैसे खा के भ्रष्टाचार के नाल असी बिठा दें चीज़ा बना दें असी करवा दें। अज भी लुधियाने शहर 70% बिल्डिंग जो तुसीं खंगाल लोगे ना तो इलीगल बनिया हुई हैं। बिल्कुल राइट गल है। चल जी एक छोटी जी चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहना, मैं चाहना कि अपने भाई साहब ने थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। खसरा नंबर 716 खसरा नंबर 716 क्या खसरा नंबर 716 लेकिन जो पटवारखाने चले जाओ तो कहेंगे छजरा नंबर जो है वह सही नहीं बोलता, हूं छजरे मुताबिक सरकारी जमीन बोल दी। छजरा नंबर कितना कर दिया गया हूं सानू दस ही नहीं बोलते असि जो इतने आए है। एक मिनट बता जी ये इन्होंने खसरे इतने नहीं बोलते
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਖਸਰੇ ਚੋਂ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਜਰਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸੱਜਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 85 ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਛਜਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੋਲੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੈ ਪਹਿਲੇ 10,000-20,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 40,000-50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੈ ਆਉਂਗੇ ਵਾਪਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮੜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇ ਧੱਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਦਰਨੀਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਵੈ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਬਸ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈਰਿੰਗ ਸੀਗੀ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੋ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਊਗਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਚਿੜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਇੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਲ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰਪਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਦਰਨੀ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 3-4 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
बलडोजर साढ़े उपर चलाता धजिया उड़ाएगी कि अपना कानून की तजिया उड़ाइया तजिया भी कानून चीज की है जी बिल्कुल यो परिवार के नाली मुलाकात कराई है जो परिवार शिवपुरी के कंधे उत्ते घर गुजारा करते सके दुकाना सगिया परिवार सके ये छजरा रिकॉर्ड बोलता है उस पटवारी के थले साइन भी है कि यह छजरा दिता गया तो एक गलत छजरा सगा अगर ये सरकारी प्रॉपर्टी सी तो 30 साल तो इस बंद का कब्जा इस जगह के उत्ते कि एक सवाल जो 23 तारीख सी तो 23 तारीख में तुम कोर्ट के केस लड़ सकते इन्ह का कहने के मुताबिक इन्हों मानयोग जज साहब के उत्ते यकीन है तो कुमार गौरव सच्चा यादव भी जोड़े ने इन्ह लोगों के नाल खड़े ने तो इस करके खड़े ने कि मोटे ना मोटा जोड़ के तहूँ सारियां अड़न ला के खड़ना चाहिए ताकि असी भी मौके पर आके इस परिवार का दुख दर्द साझा कर सकीए लुधियाना लाइव हमेशा उन्होंने खड़ा है जिन्हें धक्का होंदा या जिन्हें सुनवाई नहीं होंगी हमेशा लुधियाना लाइव सच्चिया खबर दिखाने वास्ते वचनबद्ध है तो लोगों के दिलों दिया गल् जड़िया ने जाणू करा के रहेंगे शिवपुरी की पुली के उत्ते जो कारपोरेशन वालों बिल्डिंगा ढाइया गई सगिया उस तो बाद जो पिछे मार्केट सी वो उत्ते भी एक नोटिस कारपोरेशन वालों लगा दिया गया वै ये नोटिस 22 तरीक में लगया गया बेशक 22 तरीक में नोटिस लगया गया वै कि लिखा गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर इतने नगर निगम के अनुसार जी कार्रवाई की जाएगी कि 28 तरीक न या 29 तरीक में कार्रवाई की जाएगी नोटिस लगा दिए गए हैं लोगों को कह दिया गया वै कि बिल्डिंगा जड़िया खाली की जा ये तस्वीर ने तुम होर अगे भी तस्वीर दिखा रहे हैं जो 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 जिन्हिया बिल्डिंगा आ रही ने यह उसारी के अंदर आ रही जो दसिया जा रहा है कि नाले के उत्ते कि इन्हों के उत्ते भी हुण कार्रवाई होगी कि ये नोटिस भी तुम दे सकते हो फाड़ दिता गया वै ये फाड़ इस करके दिता गया होगा कि सानू नहीं पता लग्या नोटिस किसी ने फाड़ता लेकिन तुम नोटिस तस्वीर दिखा रहे हैं डेट फाड़ दी गई ये तुम देख सकते हो कि डेट इस करके फाड़ दी गई होनी है कि सानू नोटिस बारे नहीं पता लग्या लेकिन नोटिस जोड़े ने लगाए गए हैं दुकाना बिल्डिंगा जो भी है इन्हें मूहरे लगाई गई ने कि जिते तक पिछले तक भी कैमरा जाऊगा उत्थे तक जोड़े ने नोटिस लगे हुए हैं कि इन्होंने उत्ते हूँ ये जिन्ना भी हिस्सा जोड़ा आता वै नगर नाले के उत्ते कि सारे दे सारे हिस्से ने खाली होणगे कि ये बिल्डिंगा जड़िया ने बनिया हुई ने कि ये भी खाली होणगियां कि नहीं होणगियां एक वड्डा सवाल ये है कि हुण 29 तरीक नूं कि JCB-ां इत्थे चलणगियां कि नहीं चलणगियां लुधियाणा तो कैमरामैन हनी दे नाल मैं विशाल कपूर लुधियाणा लाइव।